उसमें सात तारीख को और जो वाक्यात सामने आए हैं तो सुनकर अकले काम नहीं कर रही थी। जमीयत उलमा के हमारे बड़ों ने कहा कि इस वक्त इस्लाह मुआशरा का समाज सुधार का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और तुमको इस प्रोग्राम में इस वक्त नशा मुखालिफ को ही चलाना पड़ेगा। अभी तो जहेज के खिलाफ भी चलाना पड़ रही। आज एक अहमदाबाद की लड़की जिसका नाम आयशा है, उसका बाप उससे कह रहा है कि बेटी तेरा नाम अम्मी आयशा का नाम है, तुझे उस नाम का वास्ता, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, तुझे कुरान का वास्ता, तुझे नबी का वास्ता। लेकिन आखिर वो बच्ची पढ़ी लिखी है, वीडियो बनाकर वो अपलोड करती है और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। आज उसका नतीजा क्या निकला, हम उसके लिए मफरत की दुआएं तो कर सकते हैं, लेकिन सुन लो, आज मेरा 9:30 बजे लाइव बयान होगा, पूरी दुनिया देखती है। सर मैं रिकॉर्ड करके आया। आज के मेरे बयान का उन्वान ये है, आज भी मैं आप तमाम लोगों के सामने कह रहा हूं कि आत्महत्या, खुदकुशी हराम है, क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है ये हमारी नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की नेमत है, उसने दिया है। और जो इस जिंदगी को खत्म करेगा अल्लाह इतना नाराज होगा कि अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कहलवा दिया कि जो खुदकुशी करेगा, आत्महत्या करेगा, जिस स्टाइल में आत्महत्या करेगा, कयामत तक मैं उसको उसी अजाब में रखूंगा। ट्रेन के सामने कर आत्महत्या किया है ना, अब आत्महत्या करने वाले के दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, उनके दिमाग में क्या आता है कि मैंने अगर आत्महत्या कर लिया तो मैं शराबी शोहर के टेंशन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी, मैं सास के टेंशन से, ननद के टेंशन से, ससुराल के टेंशन से मुक्त हो जाऊंगी। बच्चे आज नौजवान बच्चे अगर परसेंटेज कम आ गया या नींद में परसेंट नहीं आया, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई तिजारत में नाकाम हो गया, कारोबार में नाकाम हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, आत्महत्या कर रहा है। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अल्लाह ने इस जिंदगी को उसकी अमानत कहा है, जो उसकी अमानत को खत्म करेगा अल्लाह इतना नाराज होगा कि जिस तकलीफ में वो मरा है, तो लोग तो ये सोचता है मरने वाला कि तकलीफ खत्म हो जाएगी, मैंने आत्महत्या कर लिया, हमेशा का टेंशन खत्म। लेकिन अल्लाह ने अगर टेंशन खत्म नहीं होगा, टेंशन तो बढ़ेगा, ट्रेन में कब तक मरा, कयामत तक वैसे ही तुझे अजाब मिलता रहेगा। पेड़ में छुआ घोंपता मरा, कयामत तक के तू छुआ घोंपता रहेगा, और फिर जब कयामत आ जाएगी अल्लाह के दरबार में खड़े होगा, फिर उस वक्त तेरी जहन्नम का फैसला होगा। वो तो बात का मसला है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह कहता है कि मैं उसको ये सजा दूंगा। और कितनी बुरी चीज है आत्महत्या के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्महत्या करने वालों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, तो कितना बदतरीन अमल है।